अगर चल रहा था वहीं खड़ा हुआ था ऐसे अगर घंटा में। साथ ही सर्दी हो गई है, सांपों का निकलना भी जा रही है। आज का एक छोटा सांप होगा आज का। कुन्नू किनारा बेटा को टक्कर मार दे। अरे से हटा दो का लोग पर के पड़ता है। हां ये तो बोल रहे बंद नहीं है। और मोले बोल के तो पैक होने का है साहब हो उधर खड़ा है चौकीदार आएगा इधर ही आएगा वो मुंह इधर ही है ना उसका इधर ही ले वो देखो पे तुम तो वो देखा साथियों ने बड़ी मेहनत करवा दी। अब कुछ बच्चे जो बैठे हुए हैं कह रहे थे सांप बिल्कुल पकड़ना है कुछ खाद भी क्या आया हुआ है मुझे लगे मोहल्ले मालदार लोग रहते हैं देखो वजन कितना है। पानी के पाइप के अंदर बैठ गया था कुल्ली भाई देखा मैंने वहाँ पाइप के अंदर ही गया सुरक्षित पकड़ लेगा कर दिए सात या आठ महीने का बच्चा है सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना कर सांप जितना एक्सपर्ट को दे विभाग को दे हमें दे तो क्या कर ये मादा है मिला नाना बड़ा बेटा मतलब मैं मेरे माँ बाप नहीं है मुझे काट ले कार्तिक तेरा तो मन्ना चल रहा कार्तिक आजा जा आजा आजा कुछ नहीं करने का उन्होंने मुंह पकड़ रखा छोड़ दे तो मैं लपेटने गया अब मैंने मुंह पकड़ रखा ले जा आ जाना यार जल्दी जा अबे जा सुदामा हां मैं जा रहा हूं तू डर रहा है कन्हैया है कन्हैया ये भाई प्लंबर भाई ने बड़ी मेहनत करी सांप को पाइप से निकालने में हमने यहाँ छदमी वाला में सांप देखा और हमने पहले अंकल को फोन किया उनको बुलाया उन्होंने सांप हमारा पकड़ दिया पाइप में था सांप उन्होंने बहुत मेहनत करी और सांप पकड़ने में हमारी तो उनका धन्यवाद बहुत सांप तो बड़ा खतरे काम है परंतु ये दो बहन भाई ये हमारी भतीजी कह सकते हम हमारे खड़े हुए थे छदमी वाला में सांप पकड़ने के लिए और हमसे पहले सांप को देखने खड़े हुए थे थोड़ी मेहनत हुई भाई को देखा जरा भाई प्लम्बर भाई जब पूरे ताकत लगा दी सांप को बाहर निकालने में और सांप को सुरक्षित पकड़ लिया गया और ये हमारे जो बच्चे हैं
मैं चाहूँगा कि कभी भी अगर सांप देखे तो हमें फ़ोन करें, उसके बाद छेड़छाड़ ना करें, काट सकता है, दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों आज ये चौथे सांप की सूचना थी और एक पानी टंकी में पता नहीं कहाँ छुप गया, नहीं मिला। दो सांप टायर की दुकान में थे, वो भी नहीं मिले। ये पानी के पाइप में सांप था, आप यकीन मानिए कैसे पानी के पाइप में बैठ कर जाकर बड़ी मेहनत हुई इसको निकालने में। कुछ लोगों द्वारा मेरी मदद भी की गई। अजगर है, बड़ा भारी अजगर है, इसको मत के प्राइवेट छोड़ूंगी। सामने पुराने पुश्ते हैं सारे सांप, सर्दी में आजकल हम यही छोड़ रहे हैं क्योंकि इनका भी बचना, प्रकृति तभी बचेगी जब सांप बचे रहेंगे, और इनको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। बड़ा बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कोई कुश्ती लड़के पहलवान आया हो, कितना भारी है, मादा है। साथियों सांप को उसके परागण छोड़ दिया गया, उसमें पुश्ते में चला गया, वहीं रहेगा, वहीं उसको भोजन मिलेगा। भोजन तो प्रकृति ने देना, हम कौन होते किसी भोजन देने वाले, परंतु उसको बचाना हमारे लिए जरूरी था और सुरक्षित उसे लिया है। सर्दी बढ़ रही है, सांप धूप से कहीं निकल रहे हैं, सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। सांप की सूचना 108 को दे, वन विभाग को दे, हमें दे, ऐसा कोई काम ना करें जिससे आप और सांप को खतरा हो।